ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਲਾਈਫ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਅਨਦਰ ਵਲੋਗ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਵਲੋਗ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖਾ ਕਿ ਮੈਨੇ ਟੂ ਪਲੇਸਿਸ ਕਵਰ ਕੀ ਥੀ, ਇੱਕ ਥੀ ਫੁਲਕੰਜਰੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਥੀ ਆਪਣੀ ਬਾਘਾ ਬਾਰਡਰ। ਤੋ ਅਭੀ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਮੰਦਰ, ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਰ ਹੈ ਵੋ। ਤੋ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਤਾਂ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਆਪ ਵਹਾਂ ਪੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਜਾਂ ਆਪ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚੈਨਲ ਪੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੇਂ ਤਾਂ ਆਪਕੋ ਪਲੇਲਿਸਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟੂਰ ਕੀ, ਵਹਾਂ ਪੇ ਸਾਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਆਪਕੋ। ਹਾਂ ਤੋ ਯੇ ਮੈਂ ਵਾਲਮੀਕ ਚੌਂਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੂੰ, ਯਹਾਂ ਸੇ ਮੁਝੇ ਲੈਫਟ ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੋ ਯਹਾਂ ਸੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਕਾ। जब आप ट्रैफिक से निकल जाते हो तो आपको साफ रोड मिलेगी, अगर आपको टाइम लगता है तो वो ट्रैफिक की वजह से लगेगा, रोड की वजह से आपको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि एकदम मस्त रोड है यार यहाँ। तो वो हमें रामतीर्थ का गेट जो है वो दिख चुका है, यहाँ से हम मंदिर हो जाएंगे, यहाँ सामने ही कट है तो यहाँ से हम मंदिर को बाइक लेंगे। वो रहा सामने राम तीर्थ मंदिर, तो यहाँ पे पार्किंग इधर है पार्किंग, तो ये पार्किंग है यहाँ की वो एकदम फ्री है, पेड पार्किंग नहीं है। तो वो सामने हमें जगह मिल चुकी है, हम बाइक वहाँ पे लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कर दी अभी बाइक खड़ी, तो चलते हैं दर्शन करने अंदर। तो यहाँ पे आप इस मंदिर का जो पत्थर लगा हुआ है या कलर है वो आप देख सकते हैं कितना आकर्षित है, कितना कॉम्बिनेशन किया हुआ है वाइट और ये येलो सा है कलर, येलो ऑरेंज ऐसा है कुछ कलर ये। तो यहाँ पे अंदर चलते हैं, पहले यहाँ से हम पैर धोएंगे क्योंकि हमने जूते पहने थे चमड़े के, तो अगर हम किसी भी मंदिर या गुरुद्वारा में जाते हैं तो हमें अपने जो पैर है वो धोने पड़ते हैं, तो उसके लिए पहले ही पानी रखा होता है। तो आप ये देख सकते हैं ये जो मंदिर का सारा कलर है ये पत्थर से बना हुआ है, तो ये पत्थर का कलर ही ऐसा है। तो ये इसकी दूर से इमारत है मंदिर की, वाल्मीकि मंदिर है यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा सरोवर है इसका। तो अभी मैं अंदर लेके चलता हूँ आपको मंदिर के। तो ये अंदर से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी शांति मिलती है, तो यहाँ का जो माहौल है एकदम साफ सुथरा है। तो इस जगह पे सीता माता ने लव कुश को जन्म दिया था, तो आप सोच सकते हो कि तब यहाँ पे जंगल था तो अब यहाँ पे इतना बड़ा शहर बसा हुआ है अमृतसर। ये वाली लोकेशन अपनी कवर हो चुकी है, अब जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है अपनी हाल गेट हाल बाजार। तो ये दोनों अलग अलग नहीं है, वो एक ही जगह है हाल गेट हाल बाजार, एक काफ़ी बड़ा बाज़ार है, वहाँ पे हमें सभी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें मिल जाती हैं किसी भी तरह की, अगर शूज़ वगैरह लेने हैं वो भी मिल जाएंगे आपको, अगर क्लॉथ की शॉपिंग करनी है वो भी आपको वहाँ पे मिलेगी, अगर आपने कुछ इलेक्ट्रॉनिक का सामान लेना है वो भी आपको वहाँ से मिलेगा, खाने पीने की चीज़ें लेनी है वो भी आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो अभी चलते हैं, पहले हमें वही जाना पड़ेगा भंडारी पुल वापस, तो वहाँ से हम जाएंगे हाल गेट। ये अपना आ चुका है भंडारी पुल, वहाँ आगे एक गोल चक्कर आएगा, वहाँ से हमने राइट टर्न लेना है। अगर आप बस स्टैंड जा रहे हो तो आपको लेफ्ट टर्न लेना है, वहाँ से फ्लाईओवर के नीचे से निकलेगा बस स्टैंड का रास्ता, आप सीधे बस स्टैंड पहुँच जाओगे। तो अगर आप
ट्रैफिक से बाहर जाना है तो आपको ये फ्लाईओवर के ऊपर जाना है, तो मॉल ऑफ अमृतसर जो है वहाँ पे जाके फ्लाईओवर ख़त्म हो जाएगा, मतलब आप फ्लाईओवर के नीचे से उतर जाओगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ हाल गेट, यहाँ से बस थोड़ा ही दूर है वो, यहाँ से आपको दिख जाएगा। अभी मैं दिखाता हूँ, वो सामने हाल गेट दिख रहा है, वो जो स्टैचू लगा हुआ है वो है शहीद उधम सिंह जी का। ये है हाल गेट के अंदर की मार्केट। यहाँ पे आपको हर एक इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ मिल जाएगी, एसी, फैन, कूलर, फ्रिज। तो मैंने सुना है कि बाहर की मार्केट से यहाँ पे आपको कम प्राइस में चीज़ें मिलती है। तो अगर आपने किताबें वगैरह भी ख़रीदनी हो तो वो भी आपको यहाँ से मिलेगी, वो दुकानें जो हैं वो आगे हैं। अगर आपने ट्रॉफ़ी वगैरह बनवानी है तो वो भी आपको यहाँ से बनी बनाई मिल जाएगी, या आप यहाँ से बनवा सकते हो। तो यहाँ से मैं लूँगा लेफ्ट साइड टर्न, तो ये जो रोड है ये आपको हॉल गेट से बाहर ले जाएगी यहाँ के मार्केट से। यहाँ पर ट्रैफिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ना बसेस जो है ना वो बस स्टैंड से बाहर आती हैं, तो उनकी वजह से यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो और व्लॉग्स देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।